मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घेऊन आला आहे आपल्या सोलापूरकरांसाठी. रुग्णालयात 24 तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध. तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं तमाम लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आज रिज़ल्ट तेलंगाना में MM पार्टी के आए हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था. महाराष्ट्र में अभी पिक्चर बाकी है और वो पिक्चर सुपर हिट होने वाली है. नहीं देखिए, तेलंगाना का निकाल ही नहीं, पूरे जो आज चार राज्यों के इलेक्शन थे उसका जो निकाल आया है वो चिंताजनक है. मैं ये समझूंगा कि चिंता का विषय है क्योंकि चार में से तीन स्टेट में BJP ने एक कंप्लीट स्वीप ऑफ की है. वन साइड सत्ता उनको मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस को जो सत्ता मिली है वो करीब करीब मतलब जो भी नज़दीक से मिली है उनको, इतनी थंपिंग विक्ट्री नहीं है. तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ हम लोग की भी यही मांग है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को रोका जाए जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है. तो मैं ये चाहूँगा कि लोग ये समझे और इसको चिंता का विषय समझे और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के मतदान करें. का वाटतं तुम्हाला, कारण तीन राज्यांमध्ये भाजपची सरकार आली आणि एक राज्याला काँग्रेस दिलं, त्याच्यामध्ये काही EVM घोटाळा वगैरे असं वाटतं? नाही नाही, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक राज्य में कम से कम कांग्रेस की सत्ता बन गई, अदरवाइज़ ये EVM घोटाले के EVM के ऊपर इसका वो करते. मेरी यही मांग है स्टार्ट से कि जैसे कि लोग बोलते हैं MIM कहीं इलेक्शन लड़ती है तो BJP को फ़ायदा होता है. मध्य प्रदेश में कहाँ MIM थी, राजस्थान में कहाँ MIM थी, छत्तीसगढ़ में कहाँ MIM थी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस को एकदम करारी हार मिली है और BJP जीत गई है. सिर्फ और वही राज्य में जहाँ पर MIM ने अपनी ताकत से लड़ी वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. तो ये कांग्रेस को चिंता करना चाहिए कि और उनकी जो हार की वजह है, ये नहीं कि EVM पर कभी ठीकरा फोड़ दिए, कभी MIM के लोगों पर ठीकरा फोड़ दिए, इसके बजाय ये लोग चिंता करें कि हम लोग उनके हारने की वजह क्या है उसका एनालाइज करें. तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में शायद उनकी जीत. सोलापुर MIM कैसे वाटचाल करना होता, कारण तेलंगणाचा एक लिटमस टेस्ट समोर आलेला आहे, तर सोलापुर कशी तुमची मोर्चा बांधणी असणार, ताकत कशी लावणार? सोलापुर में MIM ब्रेक फेल हो गई है, अब किसी के रुकाए से रुकने वाली नहीं है और आने वाले 2024 का रिजल्ट मैं आज ही आपको बताता हूँ. अगर इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो सोलापुर में MIM का खाता खुलेगा. तेलंगाना गई थी 4 दिन, उधर हर प्रचार में हर टाइम पर ऐसा लग रहा था कि MIM ही जाने वाली है, चाहे कौन कुछ भी करें दे, जहाँ हमारा पर्चा है इंशाल्लाह वह जरूर रहेगा. हर MIM पार्टी बंदे, हर MIM पार्टी का बंदा शेर है, बस जीतने की देर. लेकिन MIM पार्टी ने आप प्रचार में क्या प्रमुख कामकाज रखे, क्या मुद्दे रखे? वह हर एक काम चालू है, ऐसा नहीं बोलकर नहीं कि ऐसा जीतना चाहिए जीतने के बाद ही हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है. उधर कांग्रेस के लोग आकर अगर वोट मांग रहे तो उधर उनको उधर से हकाल रहे थे, ये हमारे सामने की बात है. BJP के लोग आ रहे थे तो उनको उधर से हकाल रहे थे क्योंकि उधर की MIM पार्टी को कोई भी नहीं हिला सकता और इंशाल्लाह सोलापुर में भी यह हाल हुई. कितने उम्मीदवार ठहरे थे और कितने उम्मीदवार जीत? 9 उम्मीदवार ठहरे थे, उसमें से 7 उम्मीदवार जीत कर आए. 7 हेल्थ कार्ड वर वर्ष भर OPD मोफत, बाह्य रुग्ण विभागात तज्ञ व अनुभवी डॉक्टरांकडून मोफत तपासणी, IPD मोफत, पूर्ण वर्ष भर रुग्ण रुग्णालयात दाखल केल्यावर त्यावर येणारा संपूर्ण उपचार खर्च मोफत, हॉस्पिटल बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, कन्सल्टंट चार्जेस आणि RMO चार्जेस, पॅथॉलॉजी तपासणी मोफत, मेडिकल स्टोर्स मधील औषधे पूर्णपणे मोफत, म्हणजेच हॉस्पिटल मध्ये दाखल केल्यावर पूर्ण खर्च 0 रुपये, कोणतेही बिल भरण्याची आवश्यकता नाही. 7 हेल्थ कार्ड ही सेवा फक्त 1000 लोकांसाठी. पत्ता 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मौलाली चौक, सोलापूर. अधिक माहितीसाठी संपर्क
96 26 200 200 आणि 96 26 300 300।